देखिए च्यवनप्राश डिस्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है इसका। हमारा जो प्लान रहता है कि उनको अवेयरनेस बढ़ाई जाए हेल्थ के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, और जितनी छोटी उम्र में ये अवेयरनेस हम बढ़ाएंगे ये उतने दूर तक उनके साथ रहेगा। तो हम डॉक्टर परमेश्वरा के साथ जाके हम उन बच्चों पे अवेयरनेस बढ़ाते कि खाना कैसे खाना चाहिए। सबसे छोटी मतलब बहुत ही छोटी सी बात होती है लेकिन काफी लोगों को यही नहीं पता होता कि खाना खाना किस तरीके से है और खाना क्या है, किस टाइम खाना है और किस टाइम क्या नहीं खाना है। तो ये सारी जो बेसिक डाइट की, न्यूट्रिशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम उनके साथ शेयर करते हैं। उसी के साथ साथ हम ये च्यवनप्राश का भी वितरण करते हैं और च्यवनप्राश वितरण के साथ साथ हम उनको ये भी बताते हैं कि च्यवनप्राश के गुण क्या है और कैसे ये साइंटिफिकली टेस्टेड है, और हमने डाबर ने खुद इसके साइंटिफिक क्लिनिकल टेस्ट किए हैं जिसके हम रिजल्ट्स भी उनके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं उसका बेनिफिट क्या है। तो ये च्यवनप्राश जो है ये 5000 साल पुरानी एक औषधि है जो आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी तब होती थी। आज की हर साल की तरह आज भी हमारा सौभाग्य कि हम बच्चों के बीच में आए हैं च्यवनप्राश लेकर के और बच्चों को च्यवनप्राश डिस्ट्रीब्यूट किया जिससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और सीजनल जो बीमारियां होती हैं कफ कोल्ड कंजेशन उससे हमारे बच्चे बचे रहे। लेकिन साथ ही साथ खुशी इस बात की है कि डाबर ने एक और मुहिम शुरू की है, उसको भी हमने यहां लॉन्च किया है और उसका मकसद यह है कि हम सब जानते हैं कि आज के समय पर जो है हेल्थ सभी की कॉम्प्रोमाइज है। जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है स्वस्थ रहना, लेकिन आज जो मेडिसिन हैं वो लोगों के घर में राशन के रूप में पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं, और क्योंकि लोगों को ये दिशा नहीं है, लोगों को ये जानकारी नहीं है कि वो क्या खाएं, किस तरह की जीवन शैली अपनाएं सो दैट बीमार ना पड़े, और अनफॉर्चुनेटली यदि बीमार पड़ जाते हैं तो किस तरह की दवाई लें कि उनको बीमारी से मुक्ति मिले, केवल ऐसा ना हो कि वो दवाई खाते रहे और बीमारी दबी रह जाए। आज के समय पे हम सब जानते भी हैं मानते भी कि इस अगर हमने मकसद को पूरा करना है तो उसमें आयुर्वेद को आगे आना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुविधा आज के लोगों में है कि साहब साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं है। तो डाबर ने अग्रणी एक कंपनी होने के नाते ये बीड़ा उठाया है कि अब हम आयुर्वेद को साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाएंगे, साइंस इन एक्शन के नाम से अपनी एक मुहिम को शुरू किया जिसमें हम च्यवनप्राश एज वेल एज अदर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो है उनको आज के पैरामीटर पे हम पहले टेस्ट करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे सो दैट आयुर्वेद को एक्सेप्टेबिलिटी मिले। आयुर्वेद जो बहुत शानदार अपने आप में एक विज्ञान है स्वस्थ रहने के लिए भी और बीमारियों से जड़ से मुक्ति पाने के लिए भी, उससे जो है लोग इस्तेमाल करें, और मुझे लगता है कि इस मुहिम में डाबर की इस जो पहल है उसको बहुत बड़ा समर्थन चिकित्सकों का भी मिल रहा है, हमारे पत्रकार भाइयों का भी मिल रहा है, और मुझे लगता है कि यह मुहिम जो है डेफिनेटली आयुर्वेद को रीस्टेब्लिश करने में बहुत काम की जो है वो सिद्ध होने जा रही है जी।